हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैंने पूरा रूम वगैरह साफ़ कर लिया है और इधर लाइट ऑफ़ कर देती हूँ बाथरूम की और गेट वगैरह बंद कर देती हूँ। तो बच्चे ऊपर से आ गए। कहाँ से आए तुम लोग? क्या क्या बन गई? ऊपर जाओ, गर्मी है, फ्रेंड चलाओ यहीं बैठो। तो इधर बच्चों को नहलाने के बाद, पढ़ाने के बाद, तो इसके बाद मैंने पूरा घर ही साफ मेरा हो रखा है क्योंकि अभी बच्चे ऊपर खेलने गए थे तो पूरा घर अभी साफ पड़ा है। अब नीचे आ गए तो अब गंदा होगा ही। तो चलिए बैर चलते हैं किचन में। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। बहुत दिनों से ब्लॉग बनाने का मन करता है लेकिन मैं आजकल बना ही नहीं पाती क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो इधर मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और कढ़ी आज बहुत ही ज़्यादा मस्त बनी थी। और साइड में रख दिया मैंने चावल और देखिए ये टूट गया है और मेरे से। तो मैंने कहा चलो मैं नया जो मंगा लूँगी या इनसे वैसे फेविक्विक से जोड़ लूँगी जो। तो इधर मैंने कहा चलो सारा सामान, बच्चे हैं ना टीवी भी चलाएंगे तो दरअसल सामान कर देते। इधर रिद्धि खेल रही है तो मैंने कहा चलो अब बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी बातें सुनाती हूँ मैं आपको। रिद्धि नहाई नहीं आप? चलो देखती हूँ आटा कितना रखा है। तो आटा इतना रखा है कि मम्मी और बच्चों के लिए हो जाएगा क्योंकि बच्चे भी एक एक ही रोटी लेंगे। मैं लूँगी नहीं, चावल बनाए हैं मैंने और कढ़ी मम्मी कम खाती हैं तो इसलिए मुझे रोटी मतलब चावल नहीं खाती, इसलिए मैंने रोटी बनानी पड़ेगी बस सिर्फ मम्मी के लिए। तो और दीदी हम सब तो चावल खा लेंगे। तो चल चलिए भगोने में ही चावल बनाऊँगी और बहुत अच्छे बनते हैं। मैं खैर भगोने में ही बनाती ज़्यादातर। तो चलिए इधर दिखाती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में जो कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे, आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। तो देखिए बाहर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, बच्चों को उठने से पहले मैं कपड़े धो के बाहर डाल देते हैं कि अच्छे से धूप लग जाएगी और सूख भी जाएंगे। तो देखिए सारे कपड़े सूख रहे हैं तो आगे तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और गर्मी है तो सूख भी जाते हैं। तो चलो मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। मैंने बेडशीट वगैरह सारी धो दी हैं तो और ये तो इधर देखिए कढ़ी बन गई है, बन रही है। तो खूब अच्छे से मैं इसे खदका लूँगी, जितना अच्छे से इसे उबाव करूँगी ना, मैं जितनी देर पकाऊँगी उतना ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो चलिए अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। इसे सारा सामान किचन का हाथ का सेट भी करती रहती क्योंकि बाद में जो किचन की हालत हो जाती है काम करने के बाद बहुत ही ज़्यादा। तो इधर मेरी कढ़ी बिल्कुल पक चुकी है तो मैंने कहा चलो भाई इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। अब कई लोगों की फट जाती है तो मेरी कढ़ी नहीं फटती है। तो इधर मैंने कहा चलो इसमें मैं डाल देती हूँ पकौड़ी जो बनाई थी मैंने। तो मैंने छोंक तो पहले ही ली थी कढ़ी और उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर से फ्राई जरूर करती हूँ कढ़ी, और जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है सिंपल सी। तो चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए हैं तो चलिए कढ़ाई में भी छोंक लगा लेते हैं। तो इधर ये कैमरा मैंने बेटे को दे दिया था तो कढ़ी अच्छे से बॉयल हो रही है, पकौड़ी डाल के अच्छे से हो जाएगी पकौड़ी के अंदर भी कढ़ी मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाला और तेल डाला और इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च। तो मेरे पास देगी मिर्च नहीं है तो मैं इसके पास जो है सिंपल मिर्च, मैं वही लाल वाली मिर्च डाल दूँगी। तो दिखाती हूँ ऊपर से छौंक मैंने लगा दिया है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा आता है और बहुत ज़्यादा खाने में भी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है इसका, ऐसे अगर कढ़ी दोबारा से हम फ्राई करते हैं तो। तो मेरी कढ़ी बन के तैयार है तो चलिए मम्मी को रोटी दे देती हूँ मैं और दीदी वगैरह भी खाना ले लेंगी क्योंकि अभी सब खाना खा लेंगे। तो अभी दिन में खाना हम लोग खाने के बाद और बच्चों को भी मैं खाना दे रही हूँ, दीदी तो इधर ले भी गई हैं खाना। तो चलिए रोटी सिक गई है मेरी, जो आटा रखा हुआ था मैंने सुबह मॉर्निंग में इनके लिए जो बनाया था नाश्ता, मदी लेके खाना गए थे तो वही आटा रखा हुआ था उसी से मेरा काम चल गया था। तो चलिए बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो अभी पीयू को चावल इतने दिए लेकिन खाएगी नहीं तो बेटे को भी दे देती हूँ खाना। तो दोनों बच्चे बैठ रहे हैं हॉल में और पढ़ी अभी पढ़ रही है तो उसे पढ़ने के बाद मैं दूँगी। मैंने कहा पढ़ने के बाद मम्मी के लिए मैं उसे नहलाऊँगी ज़रा तो बाल बाल धोएगी तो जब वो खाएगी। तो पीहू तो हमारी है कि इतनी देर में खाना खाती है, बहुत ही ज़्यादा देर में खाती है। तो मैंने कहा चलो पहले बच्चे खा लें फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगी खाना क्योंकि फिर बच्चों को खिला दो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो चलिए इधर बच्चे खा रहे हैं और पीहू देख रही है, मुंह बना रही है, इसका खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। दोनों लगी हुई है खाना खाने के लिए। अब देखो ये बातें, परी की फेवरेट है ना, है परी पजामा पहन के नाच रही है ऐसे ना का ड्रेस है। हां दोनों को बहुत ज्यादा फेवरेट है कढ़ी चावल। पीहू गंदी बात, खा लो दोनों बैठ के आराम से, ठीक है ना। क्लिप है इवनिंग की क्योंकि दिन में मैंने वीडियो शूट नहीं करा और मैं कहीं भी आज वीडियो में ऑन कैमरा नहीं आई हूँ, सिर्फ मैंने वीडियो बनाया है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो मेरे को सामने आने का मन नहीं था क्योंकि गर्मियों के टाइम में बीपी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझे। तो मैं चलो भाई सारे कपड़े कर लेती हूँ तय और कुछ जो गीले हैं वो बाद में तय करूँगी, हल्के जैसे मोटी मोटी बेडशीट वगैरह थी वो बाद में तय कर लूँगी।
तो चलिए इधर सारे कपड़े मैं तय कर लेती हूँ। और आज का ब्लॉग आप बताना आपको सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा छोटा सा रूटीन ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बने रहिएगा। बाय, टेक केयर।